हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत सारे पंचर इंडियंस कार के साथ ब्रोकिंग वाटर रोड चैलेंज। दोस्तों यहां पर देख पाओगे अपने पास बहुत सारे इंडियंस कार है, और आज दोस्तों हम लोग सभी के सभी इंडियंस कार का जो टायर है उसे पंचर कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों यहां से देख पाओगे सभी कार्स को हम लोग यहां से लेकर के जाने वाले हैं। आपने कल वाला वीडियो देखा हुआ तो आपको पता होगा यह रोड दोस्तों बीच बीच में कितना ज़्यादा टूटा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी एक साथ आ रहा है। बहुत सारी कार्स अपनी इस नीचे पानी में गिर जा रही है, क्योंकि आप इन दोनों जो रोड है उसके बीच का आप गैप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अपनी अच्छी अच्छी कार भी डूब जा रही है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल आ जा रहा है और इसमें भी अपनी कार डूब जा रही है। तो देखने वाले हैं कौन सी अपनी इंडियंस कार जो पंचर है वो डायरेक्ट यहाँ तक आ पाएगी, इस फिनिश पॉइंट तक। और जो भी हमारी पंचर कार इस फिनिश पॉइंट तक आएगी वह कार हमारी विनर होने वाली है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी कार्स को लेकर चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कार होने वाली है वो होने वाली अपनी मारुति सुजुकी 800। दोस्तों बता दूं, इसका मैंने टायर को पंचर नहीं किया है क्योंकि ये काफ़ी छोटी गाड़ी है, तो इसको अगर पंचर करता तो भाई दिक्कत कुछ हो सकती थी, शायद मिशंस को करे या ना करे। तो इसलिए भाई इसका देख पाओगे इसका टायर सभी का सभी ऑन है और अच्छा है। तो इसको लेके चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगा। आपको बता दूं, एक भाई ने हमें कमेंट किया था इसके लिए भाई हमने इस कार को ऐड किया है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं और देखते हैं भाई 800 का कैसा परफॉर्मेंस होता है, कहाँ तक ये जा पाती है, क्या ये अपने मिशंस को कंप्लीट करेगी। ओ भाई देख पाओगे भाई इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। ओ भाई, और भाई साहब यहाँ पर देख पाओगे अपनी जो 800 है भाई एक रैंप से टकराई है, और भाई साहब यहाँ पर नीचे गिर चुके। काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रही थी, काफ़ी स्पीड में आई है, और भाई देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा ये बहुत दूर तक आ चुकी थी, बस थोड़ा दूर ही बचा था, उतना दूर से यहाँ तक आ चुकी थी। तो भाई इस मिशन में जो अपनी 800 है वो फेल हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली कार की तरफ और लाते हैं दूसरी कार को। तो भाई अब जो हमारी नेक्स्ट कार होने वाली है वो होने वाली अपनी किया सेल्टोस। यहाँ पर देख पाओगे इसकी जो चारों टायर्स है वो पंचर है, तो इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी। आप देख पाओगे वो भाई इसका जो टायर है वो भाई साहब निकल चुका है और ये सिर्फ रिम पे चल रही है। तो देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी। और भाई साहब इसमें जो आज का जो चैलेंज है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ये अपना चैलेंज होने वाला है, और इसमें बहुत सारी कार्स अपनी फेल भी होने वाली है। और जैसा कि आप देख पाओगे अपनी जो किया सेल्टोस है भाई साहब इसका चारों का चारों टायर खत्म हो चुका था और ये सिर्फ और सिर्फ रिम पर चल रही थी, और भाई यहाँ पर ये फेल हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं दूसरी कार की तरफ और देखते हैं और कौन सी कार हमारी मिशंस को कंप्लीट करेगी या नहीं कर पाएगी। यह वो होने वाली अपनी फोर्ड इंडीवर। तो चलिए अपनी इंडीवर को लेकर चलते हैं और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करेगी। यहाँ पर देख पाओगे इसका जो टायर है वो भाई साहब साइड होने लगा है, एक टायर दो टायर तो खत्म ही हो चुका है। ओ भाई, और यहाँ पर देख पाओगे अपनी जो इंडीवर है भाई अभी तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको क्या लगता है ये क्या अपनी मिशंस को कंप्लीट कर पाएगी, ये बिना टायर के चल रही है। देख पाओगे चारों के चारों टायर इसका गायब हो चुका है, और भाई साहब कितनी ज़्यादा वाटर लेवल आ चुकी थी। ओ भाई, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भाई ये भी इस मिशंस में फेल हो चुके, काफ़ी अच्छा ये कर रही थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो भाई अब जो हमारी कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा बोलेरो। तो चलिए अपनी बोलेरो को लेकर चलते हैं और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करेगी। अभी आपने देखा यार अपनी जो इंडीवर थी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म तो किया, लेकिन भाई साहब वो आगे चलने के बाद वो भाई पानी में गिर चुके थे। देखते हैं भाई इसका कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है। तो यहाँ पर देख पाओगे भाई इसका जो दो टायर तीन टायर्स भाई गायब हो चुका है, और ये सिर्फ एक टायर पे अपनी जो बोलेरो है वो चल रही है। तो भाई जो अपनी कल बोलेरो थी वो भाई साहब टायर होने के बाद भी फेल हो चुकी थी, तो आज तो बिना टायर के। तो भाई ये देख सकते हो बिना टायर की जो अपनी यार बोलेरो है इस मिशन में फेल हो चुके। तो चलिए चलते हैं अगली कार की तरफ। तो भाई इस लिस्ट की जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर। तो जैसा कि अभी आपने देखा अभी तक जो अपनी जितनी भी कार थी वो सभी के सभी मिशंस में फेल हुई है। तो देखते हैं भाई जो अपनी लेजेंडर है वो कैसा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे भाई साहब अपनी जो लेजेंडर की स्पीड है काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसका भाई साहब चारों का चारों टायर्स भाई खत्म हो चुका है, ये सिर्फ रिम पे चल रही है। तो देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी, क्या ये अपने मिशंस को करेगी या नहीं करेगी। तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत इसकी हो चुकी है, और आप देख सकते हो भाई यहाँ पर देख पाओगे यार किसी में टायर सही नहीं, और कितनी छोटी भाई साहब ये हो चुकी है, और ये भयंकर तरीके से फंस चुके। तो भाई इस मिशंस में जो अपनी यार लेजेंडर है वो भी फेल हो चुकी है। तो चलिए इसको साइड लगाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो भाई अब जो हमारी कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा थार। तो चलिए अपनी थार को लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म कर पाएगी। ओ भाई, और इसका जो देख पाओगे टायर जो समाप्त हो चुका है और वाटर लेवल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है देख पाओगे, और इसकी स्पीड भाई 50 की है। तो देखते हैं भाई ये आगे कैसा परफॉर्म कर पाएगी, और वाटर लेवल का तो क्या ही बोलना भाई, वाटर तो काफ़ी ज़्यादा आ जा रही है। और भाई यहाँ पर आप देखोगे अपनी जो यार थार है वो भी यार भयंकर तरीके से फंसी है, और वो भी यार अपनी इस मिशन में फेल हो चुकी है। आप जरा एक बार देखोगे इसके टायर पर नजर डालोगे तो ये सिर्फ रिम बचा हुआ है भाई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। अपनी जो यार थार है वो भी इस मिशन में फेल हो चुकी है।
तो भाई अब जो हमारी कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी एम जी ग्लोस्टर। तो चलिए इसको लेके चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी। तो जरा इसको पीछे ले लेते हैं ओके, और यहाँ से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे भाई साहब इसकी जो टायर्स है वो गायब हो चुकी है, दो टायर्स तीन टायर्स भाई इसकी गायब हो चुकी है। तो देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी। क्या लगता है आपको अपनी एम जी ग्लोस्टर भाई कैसा परफॉर्म करेगी? ओहो काफ़ी अच्छा भाई परफॉर्म कर रही थी, लेकिन भाई हुआ कुछ बुरा है जैसा कि आप देख पाओगे, काफ़ी बुरा हुआ और भाई साहब भयंकर तरीके से अपनी जो यार एम जी ग्लोस्टर है वो भी यार इस मिशन में फेल हो चुका है। अगर ये छलांग नहीं मारती तो भाई अपने मिशन को जरूर से कंप्लीट करते। तो चलिए चलते हैं अगली कार की तरफ। तो भाई इस लिस्ट की जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी टोयोटा फॉर्चूनर। तो चलिए अपनी फॉर्चूनर को लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी, क्या ये अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो भाई यहाँ पर आप देख पाओगे अपनी जो यार फॉर्चूनर है वो स्टार्ट हो चुकी है और भाई साहब इसकी भी टायर गायब हो चुके हैं, ये सिर्फ रिम पे चल रही है। तो देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करती है, कहाँ तक ये जा पाती है, क्या ये अपने मिशन को कंप्लीट करेगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि दोस्तों अभी बता दूं आपको पानी तो इसको कुछ ज़्यादा ही कम मिल रही है और बहुत सारे कार्स को तो काफ़ी ज़्यादा पानी मिले। तो देखते हैं भाई ये जो अपनी ओ भाई कैसा परफॉर्म कर पाती, क्या ये जा पाएगी। और भाई साहब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन भाई इसकी स्पीड जो थी काफ़ी ज़्यादा धीमी हो चुकी थी और भाई जो अपनी आप देख पाओगे अपनी जो यार फॉर्चूनर है वो भाई इस मिशन में बंद हो चुके और फेल हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ और लाते हैं दूसरी कार को। तो भाई इस लिस्ट में जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी स्कॉर्पियो S11। तो चलिए अपनी S11 को लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म कर पाएगी। तो यहाँ पर आप देखो कि भाई जो अपनी यार S11 है इसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है और यहाँ पर देखो कि इसकी जो टायर है वो गायब हो चुकी है। तो देखते हैं भाई जो अपनी S11 है क्या ये अपने मिशन को कंप्लीट करेगी। और भाई साहब यहाँ पर आप देख पाओगे ओ भाई काफ़ी ज़्यादा इसके साथ बुरा हुआ है और ये छलांग मारने के चक्कर में भाई अपने मिशन में फेल हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख पाओगे अपनी जो S11 है वो भी भाई इस मिशन में फेल हो चुकी है, अभी तक अपनी एक भी कार मिशन में पास नहीं हुई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो भाई इस लिस्ट में जो अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा XUV 700। तो चलिए अपनी 700 को लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी, क्या ये अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ओ भाई और इसकी जो सभी के सभी टायर्स है वो गायब हो चुके हैं। तो देखते हैं भाई इसका कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है, क्या ये अपने मिशन को कंप्लीट करेगी। और जैसा कि आप देख पाओगे काफी ज्यादा पानी एक साथ आ चुका है, ओहो। और यहाँ पर आप देख पाओगे अपनी जो यार XUV 700 है वो भयंकर तरीके से फंस चुकी है और भाई यहाँ से अब तो भाई ये डायरेक्ट ही नीचे जाने वाली है। तो भाई XUV 700 भी अपनी इस मिशन में फेल हो चुकी है। तो चलिए इसको साइड लगाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो भाई इस लिस्ट में जो अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी सुजुकी डिजायर। तो भाई इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया भाई पंचर करने का, लेकिन भाई ये इसका टायर है वो पंचर हो ही नहीं रहेगा लगता है मुझे भाई, ये शायद से इसका टायर जो है लोहे से बना हुआ है, पता नहीं यार। चलो तो इसको ऐसे ही लेके चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी। ओ भाई और भाई साहब ये पंचर है जैसा कि आप देख पाओ, इसका टायर उड़ा है भाई। ओहो और भाई साहब यहाँ पर देख पाओगे अभी तक तो काफ़ी अच्छा करे जो अपनी डिजायर है। ओहो भाई साहब देखते हैं भाई ये आगे कैसा परफॉर्म करेगी, काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल एक साथ आ चुका है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके साथ भी बुरा हुआ है। तो भाई आज का जो भाई चैलेंज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, हमने आपको पहले ही बताया था काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ही आज का चैलेंज है। तो भाई इसको आज करना सभी कार्स के लिए पॉसिबल तो है नहीं। तो भाई जो यार अपनी डिजायर है वो भी फेल हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो भाई इस लिस्ट में जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा XUV 500। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी। आपको क्या लगता है भाई अपनी 500 क्या जाने वाली है या नहीं जाएगी? तो देखते हैं भाई साहब, अभी तो पानी कम है लेकिन आगे देख पाओगे कितना ज़्यादा पानी एक साथ आ रही है। और भाई साहब मैं आपको बता दूँ पानी के चलते ही जो यार अपनी कार से वो फंस रही है और भाई साहब यहाँ पर देख पाओगे सेम इसके साथ भी यही हाल हुआ है कि यार अगर इतना ज़्यादा पानी नहीं आती तो भाई अपनी कार नहीं फंसती और ये नीचे नहीं गिरती, डायरेक्ट अपने मिशंस को कंप्लीट जरूर से करती। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ और लाते हैं अपनी जीप को। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी प्यारी सी जीप। तो देख पाओगे यार अपनी जीप का जो टायर है वो कैसे पंचर है। तो इसको लेके चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी। ओ भाई और इसका जो यार टायर्स है वो गायब हो चुका है, एक ही टायर बचा हुआ है। तो देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी। अभी देख पाओगे बिना टायर्स की अपनी जो जीप है वो चल रही है और भाई साहब देखते हैं क्या ये अपनी जीप यार अपने मिशंस को करेगी या नहीं करेगी भाई साहब। और दोस्तों देख पाओगे जो अपनी यार जीप है वो भी यार इस मिशन में फेल हो चुकी है। आज का जो यार चैलेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो भाई अब जो हम अपनी कार को लेने वाले हैं वो होने वाले अपनी टाटा हैरियर। तो चलिए अपनी टाटा हैरियर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेगी। आपने अभी देखा भाई साहब यार अपनी जो औड़ा थी वो भाई साहब आगे जाकर के फेल हो चुकी है। तो देखते हैं भाई जो अपनी यार टाटा हैरियर है वो कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे अपनी जो टाटा हैरियर अभी तक तो ठीक कर रही है और पानी भी इसको थोड़ा कम ही मिला है। तो जैसा कि आप देख पाओगे और भाई इसका जो चारों टायर्स है वो खत्म हो चुका है। भाई आज का जो मतलब यार चैलेंज, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आज का जो चैलेंज है वो भाई एक्सट्रीम लेवल का है और मुझे नहीं लगता कि भाई अपनी जो कोई भी कार है इस मिशन को कंप्लीट करेगी। तो चलिए चलते हैं अगली कार की तरफ।
तो भाई इस लिस्ट की जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी हुंडई की वरना। तो चलिए अपनी हुंडई की वरना को लेके चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे भाई साहब इसकी जो टायर्स है वो निकल चुकी है एक एक करके ओ भाई। और यहाँ पर देख पाओगे यार वाटर लेवल कितनी ज़्यादा आ चुकी है, इसकी स्पीड देखोगे भाई 50 से ज़्यादा तो हो ही नहीं रही है। तो देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हुई है। वैसे ये आधा रास्ता तो कंप्लीट कर चुकी थी लेकिन भाई अपनी जो इस लिस्ट की वरना है वो भी भाई इस मिशन में फेल हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अगली कार की तरफ। तो भाई हमारी जो आखिरी कार होने वाली है वो होने वाली अपनी हुंडई वलिस्टर। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे भाई साहब इसका जो अभी से ही टायर खत्म हो चुका है। तो देखते हैं भाई ये आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है। क्या लगता है आपको कि क्या ये लास्ट कार अपनी मिशन को कंप्लीट कर पाएगी और अपनी इज्जत को बचा पाएगी। तो देखते हैं भाई क्या हाल होता है। और भाई मुझे नहीं लगता कि भाई अपनी जो वलिस्टर है वो भी भाई इस मिशन को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सेम वैसा ही हुआ और भाई साहब ये भी भाई साहब यहाँ पर बंद हो चुके जैसा कि आप देख पाओगे। तो भाई आज की जो अपनी मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी और अलग होने के कारण ही भाई अपनी जो एक भी कार है वो भाई इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो आज आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और नहीं लगी तो भाई डिसलाइक कीजिएगा। और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हो कोई अपनी मनपसंद की कार को देखना तो आप उस कार का नाम कमेंट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपने देखा हमने यार अल्टो 800 लाया था, वैसे ही बार बार हम कार्स को लाते रहेंगे। तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।